ये कोयले की सिकी हुई बाटियाँ हैं। जनरली जो नेचुरल बाटीज होती है ये काउडंग में सिकती है, काउडंग वाले फ्यूल कट्टे मोजे कोयले की बाटियाँ। अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे एक दाल बाटी की फेमस जगह है मंगलवार। तो हम सावेलिया से पहुंचे, ये बंद था अभी, तो अभी हम चल दिए हैं मंगल। 12 से 2 बंद रहेगा, ठीक है, तो आप हमारी वाली गलती मत करिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं सावेलिया मंगलवार दाल बाटी खाने के लिए। मंगलवार एक छोटा सा टाउन है नियर बाय सावलिया सेठ जी, ठीक है। यहाँ की दाल बाटी बड़ी फेमस है, मतलब हम भी पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं। जस्ट थिंक ऑफ द रेस्टोरेंट हैज मोर देन 3500 रेटिंग ऑन गूगल इस टाउन के अंदर। इट शो द टाउन एक्चुअली। और फनी चीज ये है कि जब हमने गूगल पे डाला तो यहाँ पे ये जगह का नाम है शर्मा भोजनालय, जहाँ पे जहाँ की दाल बाटी अच्छी है। और शर्मा भोजनालय की इतनी ब्रांचेस हैं कि मतलब ब्रांचेस नहीं है, कॉफी, मतलब जगह जगह आपको शर्मा भोजनालय ही मिलेगा। तो प्रतीक ने रेटिंग देखा, तो आप रेटिंग देखिए जिसकी मैक्सिमम है, हम भी भेज देंगे आपको कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे शर्मा भोजनालय, तो विल सेंड यू द लोकेशन एज वेल, ताकि आप सही जगह पहुंचे। एंड विल टेल यू आर फीडबैक ऑल्सो कि क्या यहाँ जाना एक्चुअली वर्थ है, बिकॉज ये जगह दाल बाटी के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस है। और राजस्थान आए और दाल बाटी नहीं खाए, ये बहुत ही नाइंसाफी है। सो आपको बताते हैं खाके हाउ इज इट, हाउ इफ इट्स वर्थ इट, इफ इट्स नॉट, द हाइप इज फॉर, या व्हाट द हाइप इज ऑल अबाउट। चलो टिल देन, बाय बाय। शर्मा होटल आप देख रहे होंगे यहाँ रिपीटेडली शर्मा होटल है बहुत सारे, और यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिनल शर्मा भोजनालय, तो हम यहीं जाने की सोच रहे हैं। लेट्स सी, आपको दिखाती हूँ मैं रास्ता। देयर इज वन शर्मा भोजनालय, कैन यू ज़ूम इन टू दैट? यहाँ पे भी शर्मा साइड में भी है, और यहाँ होटल वर्धमान, आपको रास्ता दिखाती हूँ। तो दिस इज द वन जिसको गूगल पे सबसे ज्यादा रिव्यूज दे रखे हैं। एंड हम पहुंच गए हैं शर्मा भोजनालय। नकली मिलते जुलते नामों से सावधान, सिर्फ एक ही ब्रांच, ठीक है, समझ गए आप? ओके, चलो हम पहुंच गए, अब खा के बताते हैं। Hey, you'll be eating with hand. तो ये रहा यहाँ का वेट लिस्ट, और आपको भीड़ दिखाती हूँ, यहाँ इतनी भीड़ है, सब तरह के लोग हैं, और भरा हुआ है ये पूरा खचाखच। बाकी जगह खाली है। हाँ, बाकी शर्मा ठीक है, कोई भीड़ नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा भरा हुआ है। सो कैसा लग रहा है आप शर्मा जी की बाटी खाने आए हुए हैं? बाटी खा रहे हैं, उठा के यहाँ के बाटी खा रहे हैं। प्रीटी बियर्ड। बट यहाँ की बाटी ना, जैसे दूसरों की प्लेटों में देखी हमने, थोड़ी अलग लग रही है। लेट्स सी कैसी आती है बाटी, कुछ तो डिफरेंट है, तभी यहाँ पे इतनी भीड़ है। Let's see the taste. Then we'll make the vlog. इधर सबसे फेमस है बाटी, जो कि 4 बाटी आती है 60 रुपए में, जिसमें अनलिमिटेड दाल आती है। अगर आपको दाल फ्राई लेना है तो आपको 40 रुपीज एडिशनल देना पड़ता है। आप घी में भी डुबा के अपनी बाटी को इंजॉय कर सकते हैं, पर विद एक्स्ट्रा चार्जेस।
हमने यहाँ ऑर्डर करी दाल बाटी और चूरमा, और उसके साथ मिली आपको कॉम्प्लीमेंट्री चटनियाँ और सलाद। यहाँ पे हर टाइप की चटनी आपको देते हैं, जैसे धनिया की, टमाटर की, मिर्ची की और लहसुन की, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सो करते हैं फाइनल रिव्यू की बात। सो आई वुड से यहाँ पे दाल बाटी खाने ज़रूर आइएगा। आपको बाटी हर जगह मिलेगी, बट यहाँ का स्वाद एकदम ऑथेंटिक बाटी का स्वाद की याद दिलाएगा। यहाँ के प्राइसेस बहुत ही इकोनॉमिकल है, यहाँ कोई भी आएगा वो भर पेट खाना खा के ही जाएगा। सो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।